हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को लेकर फिल्म निर्माताओं ने शोले और सीता और गीता जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई हैं, लेकिन उनकी एक मेगा बजट फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी कि इसकी वजह से पूरा बॉलीवुड कुछ वक्त के लिए कर्ज में डूब गया था। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी डिजास्टर में से एक थी, जिसे पाकीजा जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर कमाल अमरोही ने डायरेक्ट किया था। फिल्म फ्लॉप होने के बाद वे इतना सदमे में आ गए थे कि उन्होंने हमेशा के लिए सिनेमा से दूरी बना ली थी। भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक शख्सियतों पर फिल्में बनाने का चलन काफी पुराना है। मुगल-ए-आजम और बाहुबली जैसी कई फिल्मों ने भारतीय सिनेमा पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। ऐसी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही हैं, लेकिन इनमें से एक फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी, जिसे बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी डिजास्टर कहा जाता है। फिल्म ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को तबाही के कगार तक पहुंचा दिया था। कमाल अमरोही ने पाकीजा और महल जैसी नायाब फिल्में बनाई थी, जिसने हिंदी सिनेमा में नया ट्रेंड शुरू किया था। डायरेक्टर ने पाकीजा की रिलीज के बाद दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान पर फिल्म बनाना शुरू किया। फिल्म पर काम 1975 में शुरू हुआ था। फिल्म काफी बदलावों के बाद 1983 में रिलीज हुई, जिसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र लीड रोल में थे। रजिया सुल्तान तब 10 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी, जिसे अगर 2023 में बनाते तो इसमें 200 करोड़ रुपए का खर्च आता। ये फिल्म उस दौर की सबसे महंगी फिल्म है, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसका बुरा हाल हुआ। फिल्म ने दुनिया भर से 2 करोड़ रुपए ही कमाए। लोगों ने फिल्म रजिया सुल्तान में जटिल उर्दू का इस्तेमाल होने की शिकायत की, जिसकी कहानी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती है। फिल्म के डिजास्टर होने के बाद कई फाइनेंसरों, डिस्ट्रीब्यूटरों और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ था। फिल्म का बजट इतना था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा तबका नुकसान में आ गया था। रजिया सुल्तान पर ट्रेड मैगजीन ने एक लेख छापा था, जिसमें दावा किया था कि फिल्म के चलते पूरी फिल्म इंडस्ट्री कर्ज में डूब गई थी। हालांकि डायरेक्टर कमाल अमरोही ने इसके जवाब में कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार है, फिल्म निर्माता नहीं। फिल्म के प्रोडक्शन में लंबा समय लगा, जिसका मतलब है कि इसने कई सालों तक सैकड़ों तकनीशियों को नौकरी दी। कमाल अमरोही हमेशा रजिया सुल्तान के पक्ष में बोले। उन्होंने कहा कि फिल्म को गलत समझा गया और आलोचक इसे इसलिए पचा नहीं पाए क्योंकि यह एक मसाला फिल्म नहीं थी। हालांकि उन्हें आर्थिक तौर पर भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कमाल अमरोही काफी वक्त तक सिनेमा से दूर रहे। उन्होंने फिल्म आखिरी मुगल पर काम करना शुरू किया, जो बहादुर शाह जफर की बायोपिक थी। हालांकि साल 1993 में उनके निधन के बाद स्क्रिप्ट कहीं खो गई और रजिया सुल्तान उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप बॉलीवुड फिल्मों में रुचि रखते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।